हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक अब पेज नंबर जो हमारा चल रहा था 11 और पैराग्राफ नंबर जो हमारा मतलब फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड को हम जो और करिश्मा से स्टार्ट करना है तो इस वीडियो में हम उसे करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली का कायापलट होने लगा था, हमने ये समझ लिया पिछले वीडियो में, हमारी इस लेवल पर सारी बातचीत हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कहा नहीं था, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। देखिए, दिल्ली की कायापलट की बात चल रही है ये, तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय का आगमन जैसे ही मतलब आने का टाइम हुआ, ये किसी भी अधिकारी ने किसी भी अधिकारी को बतौर कागजी कार्रवाई किसी को सूचित नहीं किया। ऑलरेडी सभी कर्तव्यनिष्ठ हो गए थे, सभी अपने अपने सभी के अंदर कर्तव्य बोध जागृत हो गया था और सब अपना अपना काम और अपना अपना रोल समझने लगे थे। और उसका परिणाम, दिल्ली बुढ़ापे से नाजनीनों की तरह सज गई थी। व्यंग्य, दिल्ली मतलब एक बूढ़ी दिल्ली नाजनीनों की तरह सज गई थी, आज वो जवान हो गई थी और निहायत ही खूबसूरत दिख रही थी। ये कर्तव्य बोध हमारे अफसरों को ऑलरेडी पता नहीं कहाँ से ऐसा हो गया था, लेकिन कहाँ से हो क्या गया था समझो, ये पतंत मानसिकता की शिकार है, क्योंकि अपने देश के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। पर कभी परतंत्र मानसिकता, हम दूसरों के आज भी गुलाम हैं, अपने लिए नहीं करेंगे पर दूसरों के लिए, अगर कोई मतलब दिखावा वाली बातचीत, ठीक है, इसी चीज़ को आगे हैं। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब यहाँ से हमारे पाठ का जो मूल बिंदु है, पॉइंट है, मेन पॉइंट है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, दिल्ली की कायापलट हो रही थी, हो गई थी और हो भी जाएगी, जो कुछ बचा रहेगा, बची कुची कसर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो चीज़ अब हमारे सामने आ रही है, वो थी जॉर्ज पंचम की जो लाट थी उस पर नाक नहीं थी। और ये पॉइंट पूरी तरह से हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। लेखक हमें अब कमलेश्वर जी बताते हैं नाक कैसे आई, कैसे लगी, यानी कि परतंत्र मानसिकता अब खुलने वाली है कि कैसी परतंत्र मानसिकता के शिकार हैं हम भारतीय। आज भी याद रखो, आज भी हैं हम। अब वही सब चीज़ें अब हमारे सामने आने वाली हैं। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। लेखक ये कहना चाहता है कि ये आज का मुद्दा नहीं था, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। इस पर पहले भी हमारा जो सरकारी अमला है, राजनीतिक अमला है, आपस में गुटरगूं करके कई तरीके के प्लान बना के बाद मतलब एक दूसरे पे कीचड़ छीछा लेदर करके कीचड़ उछाल के ये सब हो चुका था, पर प्रॉब्लम जस की तस थी। लेकिन आज फिर वो शुभ मुहूर्त आ गया था इस एक बार इस प्रॉब्लम के ऊपर अपनी मतलब नज़र डालने का। तो लेखक कमलेश्वर नाथ जी कह रहे थे कि ये सब हो चुका था, ठीक है, बहस हो चुकी थी। आगे है, यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे।
क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी कि और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें सानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। देखिए लेखक कहता है कि जॉर्ज पंचम की मतलब जो नाक है उनके मतलब जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उनके चारों तरफ इर्द गिर्द पहरेदार छोड़ दिए गए थे उसकी मूर्ति की सुरक्षा के लिए। और उस पर मतलब अब अटेंटिव जो हो रहे थे लोग कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए क्योंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारतीय दौरा पर आ रही थी। ठीक है बेटा, तो इतना हम इसके हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक बेटा स्वस्थ रहिएगा, घर पे रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, बाय बच्चों।